एवरीवन वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फाइनल के माइक्रोवेव का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैग्नेट्रॉन। ये जो टॉपिक है आपका मैग्नेट्रॉन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हर यूनिवर्सिटी के लिए होता है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये माइक्रोवेव जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनकी कैटेगरी में आता है, ये माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है मैग्नेट्रॉन। अब इससे पहले जो था क्लिस्ट्रॉन था, क्लिस्ट्रॉन के अंदर एक कमी थी कि वो थोड़ा लंबा था, थोड़ा हैवी इंस्ट्रूमेंट था। अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के लिए फिर हम लोगों ने मैग्नेट्रॉन यूज़ लिया। जैसा कि उसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा मैग्नेट्रॉन के अंदर। तो अभी बनता कैसे देखते हैं एक बार। द मैग्नेट्रॉन इज़ क्रॉस सेक्शन फील्ड ट्यूब इन विच डीसी इलेक्ट्रो EF एंड द डीसी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीसी मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड M टाइप ट्यूब। ठीक है, तो मैग्नेट्रॉन के अंदर क्या होता है कि एक क्रॉस सेक्शन मतलब कि गोलाकार टाइप की एक ट्यूब होती है, ओके। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी भी पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड करवाना, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है कि जो आपका पार्टिकल है उसको घुमा देना या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, उसका वो काम होता है। तो इसमें दोनों परपेंडिकुलर अप्लाई होते हैं, इसलिए पार्टिकल जो होता है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, इन अ क्रॉस सेक्शन इन क्रॉस फील्ड ट्यूब द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द कैथोड आर एक्सलेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गेन वेलोसिटी, बट दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव ग्रेटर वेलोसिटी देयर पाथ इज मोर बैंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने बात बोली वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करवाता है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि उसको घुमा देता है, ओके। तो इसमें यह बात बोली गई है कि अगर जिस इलेक्ट्रॉन के पास में जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा घूम जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, ओके। इफ़ द आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड इज़ अप्लाइड टू द एनोड, अगर आपने एनोड के ऊपर क्या अप्लाई किया है, आरएफ फील्ड अप्लाई किया है सर्किट, देन दोज इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द सर्किट ड्यूरिंग रिटार्डिंग फील्ड आर डी एक्सलेटेड एंड गिव सम ऑफ देयर एनर्जी टू द आरएफ फील्ड। वही सेम बात जो क्लिस्ट्रॉन में की गई थी कि अगर मान लीजिए ये एनोड, ये आपका एनोड कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है, कैथोड पे आप अप्लाई करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करेंगे, ओके। तो जब जो आपका आरएफ फील्ड है वो ऑपोजिट फेस में होगा या फिर रिटार्डिंग में होगा, रिटार्डिंग का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वेव एंटर कर रही है उसका फेज़ ऐसा है, ठीक है, और आरएफ फील्ड का फेज़ ऐसा है, ठीक है, तो ऑपोजिट फेस में अगर वो जाएंगे तो इसे बोलते हैं रिटार्डिंग फील्ड, मतलब कि वेलोसिटी को कम करने वाला फील्ड कहलाएगा रिटार्डिंग फील्ड, ओके। तो अगर वो रिटार्डिंग फील्ड में है तो आपका इलेक्ट्रॉन डी एक्सलेट होगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। सो देयर वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड दोज स्लोअर इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल टू द डी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाएंगे और उन्हें क्या मिलेगा, मान ले रिटार्डिंग फील्ड अगर उनको मिलता है तो उनकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, पहली बात। और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कम वेलोसिटी से मूव करते हैं, ओके। दोज इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द सर्किट ड्यूरिंग द एक्सलेटिंग फील्ड द एक्सलेटेड बाय रिसीव एनर्जी फ्रॉम द आरएफ फील्ड एंड रिटर्न बैक टुवर्ड्स द कैथोड and they produce heat in the cathode and decrease the operational efficiency, okay। तो अगर मान लीजिए इसके विपरीत बात की जाए और जो इलेक्ट्रॉन रिटार्डिंग फेज में ना एंटर होते हुए एक्सीलरेटिंग फील्ड में एंटर हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस फेज़ में आपका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फेज़ में एंटर हो रहा है और आपका आरएफ फील्ड भी इसी फेज़ में है, तो ये दोनों रिकम्बाइन होकर सुपर इम्पोज हो जाएंगे और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड फील्ड, ओके। तो अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती हुई आपको मेज़र होगी। चलिए अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल
मैग्नेट्रॉन की, सिलेंड्रिकल शेप में है ये। ओके, आपको दिख रहा होगा इसका क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ये कैथोड है, इसके अंदर एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे आप लोग तो उसके इफेक्ट में वापस से वो कैथोड की तरफ मुड़ के आएगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है ये मुड़ के तो आएगा, बट इसको आपने क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है साथ के साथ ही, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज तो होगी ही होगी। चलिए आगे देखते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन, इन अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन सेवरल रिएक्टेंस कैविटी रीएंट्रेंट कैविटी आर कनेक्टेड टू द गैप एंड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। ओके, तो रीएंट्रेंट कैविटी मतलब ऐसे खोखले पाइप की तरह बने होते हैं, कैविटी मतलब कि खाली स्थान हो गया, और रीएंट्रेंट मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ स्थान अवेलेबल है, उस तरह की कैविटी है अपने पास। और आपने क्या कर रखा है कि कैथोड और एनोड के बीच में एक फील्ड अप्लाई कर रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड बी नोट इज अप्लाइड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और आपने जेड डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। व्हेन द डीसी वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एडजस्ट प्रॉपरली देन इलेक्ट्रॉन फॉलो साइक्लोइड पाथ इन द कैथोड एनोड स्पेस एंड द कंबाइंड फोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लीजिए कि आपने इस तरह का फील्ड अप्लाई किया है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में वापस से लौट के कहाँ पे आ जाए, कैथोड पे आ जाए, तो इस तरह हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है इस मैग्नेट्रॉन के अंदर। ओके, तो ये है सिंपल सा सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन का डायग्राम। ओके, अब देखते हैं, मैग्नेट्रॉन कंसिस्ट एन कैथोड एंड एनोड, मैग्नेट्रॉन कंसिस्ट एन कैथोड एंड एनोड ऑपरेटेड इन अ डीसी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। इसी बीच में काम कर रहा है आपका एनोड कैथोड के बीच में आपने क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड इज मूव इन अ कर्व्ड पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रॉस फील्ड, तो इस कर्व्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आपका। इन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट अराइव इन द एनोड। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन एनोड तक जा ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही लौट के आ जाएगा, बट रिटर्न टू द कैथोड। इन द केस ऑफ एनोड करंट इज कट ऑफ, इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगी नहीं, एनोड करंट, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ इलेक्ट्रॉन इन सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन कैन बी रिटन एज। देखो सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर ये इक्वेशन आपको BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो वहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r डेल फाई अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर e अपॉन m एंड er माइनस e अपॉन m r bz डेल फाई अपॉन डेल z। सिलेंड्रिकल सिस्टम में तीन होते हैं कोऑर्डिनेट, r फाई z सिलेंडर का रेडियस, उसका एंगल और जो उसकी डिस्टेंस वो होती है, उस तरह से तीन हमारे पास इक्वेशन होती है, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। Z पे हमने लगाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड तो उसको नहीं लेंगे, बाकी दो के लिए वेरी करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप ये ध्यान रख लेना दोनों शुरुआत में, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सिस्टम में आप जब निकालेंगे ना फोर्स इक्वेशन तो यही आएगी। तो दूसरी इक्वेशन आपको याद रखनी है, वन अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डेल फाई अपॉन डेल टी ई अपॉन एम बी जेड डेल डी आर अपॉन डी टी। ओके, अब दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से आप आगे देखेंगे क्या होता है, यहाँ से जो R है इस R को उठा के आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट करते ही आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर बात करें सिलेंडर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो ये तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आप सबको पता ही है, ओमेगा सी बराबर ई बी जेड अपॉन एम होती है, BSc में अपन निकालते हैं। तो साइक्लोट्रॉन के लिए बात करें ई बी जेड अपॉन एम वहाँ पे वर्क करती है, तो ये वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब अगर आप बात करें यहाँ देखें तो यहाँ पे आर डी आर अपॉन डी टी है, तो अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है आर स्क्वायर को डी अपॉन डी टी, तो टू आर डी आर अपॉन डी टी होता है, तो टू से टू कट जाएगा वापस से ऐसी बन जाएगी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग आप इंटीग्रेट करेंगे इसको जनरली, तो इंटीग्रेट करते ही क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली ये कांस्टेंट बन जाएगा, बिकॉज यहाँ डिफरेंशिएट है, यहाँ भी डिफरेंशिएट है, तो दो जगह यहाँ पे डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे बच जाएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस एट आर इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज़ द रेडियस ऑफ द कैथोड सिलेंडर, जो अंदर का कैथोड सिलेंडर उसकी रेडियस है, तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है एंगल जो है वो चेंज होगा, नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, बिकॉज सरफेस है वो। यहाँ आप देखें ये सरफेस है पूरी, तो इस पूरी सरफेस के अंदर, इस पूरी सरफेस में एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे आपका डी फाई अपॉन डी टी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो, बिकॉज फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है सरफेस पर, तो कॉन्स्टेंट है इसलिए, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आर इज इक्वल टू ए पर आपने ये पुट करते ही आपका कॉन्स्टेंट निकल जाएगा ईजिली, ओके। आर इज इक्वल टू ए पुट करेंगे, ठीक है, तो डी फाई अपॉन डी टी बराबर जीरो, ये पुट करते ही कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। अब जैसे आप कॉन्स्टेंट ऊपर पुट कर देंगे तो ईजिली आपकी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सिक्स जो है आपको मिल जाएगी। नाउ सिंस द मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्वियस बात है वर्क तो कभी नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी, इसलिए हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई वी नॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ई वी नॉट अपॉन एम, यही आपको निकल के आ रहा है। यहाँ इसी इक्वेशन से आप देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट अपॉन एम यहाँ से आ जाएगा, ओके। और जब सिलेंड्रिकल सिस्टम में बात की जाएगी वी स्क्वायर की, तो सिलेंड्रिकल सिस्टम में वी स्क्वायर ये होता है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वैसे बेसिकली v बराबर क्या होता है, डी आई अपॉन डी टी होता है बेसिकली। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, डी आर आर के प्लस आर डी थीटा थीटा के, ये होता है सिलेंड्रिकल के अंदर, तो डी आर आर के प्लस आर डी थीटा थीटा केप से आप जब डी आई रखेंगे ना तो ये निकल जाएगा आपका v स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन लगाते हैं एट b इज इक्वल टू जीरो, एट b रेडियस ऑफ द एनोड, b इज इक्वल टू पोटेंशियल वहाँ पे फिक्स है v बराबर v नोड, तो डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन आप रखेंगे तो डी आर अपॉन डी टी जो है उसको जीरो पुट कर दें, और उसी लेवल पे आपको क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट फिक्स है, ठीक है, तो डी फाइव अपॉन डी टी। चलिए तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे, आर इज इक्वल टू बी पुट कर दें, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू बी पुट कर दें, ये आपका ज़ीरो हो ही जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा केवल ये वाला फैक्टर, ओके। तो ये फैक्टर आपका बच चुका है और नेक्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई, ओके। तो क्या आ जाएगी आपके पास, बी स्क्वायर डेल फाई अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, क्योंकि आपका इसको आपने क्या कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया इसलिए, ओके। तो नाउ अगर आपने ये वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर जो छः है उसमें आप देखें एक बार, ये आपकी इक्वेशन नंबर छः वापस से इधर लिख दें, क्योंकि वहाँ पे R लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में R की जगह हम क्या पुट कर देंगे, B पुट कर देंगे, ओके, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो B पर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी जो है हमारा ये निकल चुका है, डी फाई अपॉन डी टी, ओके। तो डी फाई अपॉन डी टी जैसे ये निकल चुका है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी बराबर आप पुट कर दें टू ई वी नॉट अपॉन एम, यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी की जगह आप क्या पुट कर दें, टू ई वी नॉट अपॉन एम बी स्क्वायर जो भी है। तो यहाँ से अगर आप शिफ्ट कर देंगे या फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो सही रहेगा, समीकरण नंबर 10 का मान आप समीकरण नंबर 9 में रख दें, ओके। तो फिर आगे सॉल्व करेंगे इजीली और ओमेगा सी की वैल्यू आपको आ जाएगी, फिर यहाँ से आप ई वी नोट निकाल सकते हो, ओके। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जस्ट ग्रेज द एनोड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जस्ट एनोड तक पहुँचता ही है, एंड रिटर्न टूवर्ड्स द कैथोड, वापस से कैथोड की तरफ मुड़ जाता है ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड वी नोड एंड बी नोड, ठीक है ना। तो पोटेंशियल आपका वी नोड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी नोड है, देन द हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके नाम से एग्जाम में पूछा जाएगा, हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप बता देना कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड को टच करके वापस से मैग्नेटिक फील्ड में अपने कैथोड पर पहुंच जाए, टच करके, समझ में आया।
ठीक है, एक तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो बिना टच करे पहले ही अपने पाथ से रिटर्न कर जाएंगे कैथोड की तरफ, बट वो मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, वो फ्रिक्वेंसी लगानी है जब वो टच करके एनोड को कैथोड की तरफ लौट जाए, तो वो कहलाएगा आपका हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसे बोल देंगे ओमेगा सी बराबर ई बी सी अपॉन एम। फिर आप ऊपर से वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, जो आपका है यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे आप ये पुट कर देंगे, यहाँ से ओमेगा नोड की वैल्यू को यहाँ रख दें, सॉरी यहाँ से ओमेगा नोड की वैल्यू को उठा के एक बार और यहाँ रख दें, ओके, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, ई बी अपॉन एम, ओके, इस वजह से। तो जैसे ही आप ये पुट कर देंगे तो फिर आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो ये निकल जाएगा। तो ये आप निकाल सकते हो हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस मीन्स इफ बी नोड ग्रेटर देन बी ओ सी फॉर अ गिवन बी नोड देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच एट द कैथोड। अगर मान लीजिए आपने बढ़ा दिया हल कट ऑफ से, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पहुंच पाएगा एनोड की तरफ, ठीक है ना। तो हल कट ऑफ वोल्टेज भी वहीं से डिफाइन हो जाएगी आपकी, यहाँ इसी इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आप वी नोड को अकेला कर दें तो आपका वी नोड निकल जाएगा हल कट ऑफ वोल्टेज। दिस मीन्स वी नोड लेस देन वी नोड सी, मतलब अगर वोल्टेज अगर कट ऑफ वोल्टेज से कम है फॉर अ गिवन बी नोड देन इलेक्ट्रॉन नॉट रीच एट द एनोड, तो आपका इलेक्ट्रॉन फिर से एनोड की तरफ नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज हल कट ऑफ वोल्टेज इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी हल कट ऑफ वोल्टेज इक्वेशन। तो इतना आपको काम करना है, पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही बनने वाला है कि मैग्नेट्रॉन की संरचना क्या होती है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द मैग्नेट्रॉन एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द हल कट ऑफ वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड। सो यू विल डिराइव दिस फॉर्मूला, यू विल डिराइव दिस फॉर्मूला बिकॉज यही आपको निकालना होगा, ये आपका हल कट ऑफ वोल्टेज है, ये आपका हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और यही क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ओके। चलिए अब ट्रांजिस्ट टाइम की बात करते हैं। ट्रांजिस्ट टाइम जो है ये भी अच्छी जगह, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है आप पढ़ लो। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है, तो ट्रांजिस्ट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स लिमिट्स द ऑपरेशन ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी द इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्ट टाइम इज डिफाइंड एज। तो कितना हो जाएगा ये, टी जी इज इक्वल टू डी अपॉन वी नोड बराबर डी अपॉन रूट टू ईटा वी नोड। अब ईटा बराबर ई अपॉन एम होता है, रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द मास, बहुत बार पढ़ा होगा आपने ई अपॉन एम रेशियो निकाल सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटली, ओके। वी नोड क्या है आपके पास, डी सी वोल्टेज है, वी है सेपरेशन बिटवीन कैथोड एंड ग्रिड, क्योंकि कैथोड से ग्रिड तक पहुंचने का टाइम निकालना है इसलिए वहाँ वोल्टेज लगानी पड़ेगी, वी वेलोसिटी है, ठीक है, और वही आपका सेपरेशन निकालना है उसके बीच का। तो ट्रांजिस्ट टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिक्रीजिंग द इंटर इलेक्ट्रॉन स्पेसिंग। ऑब्वियस सी बात है अगर आप उनकी स्पेसिंग घटा देंगे तो ट्रांजिस्ट टाइम बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, ओके, एंड बाय इंक्रीजिंग द ऑपरेशन वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज बढ़ा देंगे तब भी हो जाएगा कम। बोथ आर शोज इन द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्ट टाइम। तो वोल्टेज और डिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि ईटा जो होता है वो तो ई अपॉन एम होता है और वो तो फिक्स होगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो ई अपॉन एम के अंदर, ओके। सो एट लोअर फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्ट टाइम और एंगल इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए स्मॉल फंक्शन होता है वो टाइम का। एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी द ट्रांजिस्ट टाइम टी जी इज लार्जर देन कंपेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल, ओके। तो यहाँ पर भी होगा, तो ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं है, अगर आप इसको ना भी याद करोगे तब भी काम बन जाएगा आपका, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये मैग्नेट्रॉन में है, ठीक है। तो बीम फॉक्सिंग जरूर पढ़ना आप, बीम फॉक्सिंग इंपॉर्टेंट एक अलग से टॉपिक आता है, छोटे क्वेश्चन में आता है, पाँच नंबर में आता है, इसलिए बीम फॉक्सिंग पढ़ना ज़रूरी है। होता क्या है देख लेते हैं एक बार, बीम फॉक्सिंग टू कंट्रोल द स्पेस चार्ज डिफ्यूजन, ठीक है, मतलब स्पेस चार्ज मतलब कि चार्जेस जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि चार्जेस जो हैं वो आयनों में विभक्त हो जाएंगे, मतलब इस तरह से मान लीजिए कि जो है
डिफ्यूजन रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, दैट इज टू मेंटेन सम फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द लॉन्ग थिन बीम ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है ना। मतलब कि उसके अंदर जो बीम आपकी आ रही है, लंबी जा रही है, ओके, थिन बीम, और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मैनी मेथड्स हैव बीन एम्प्लॉयड एंड आर लूजली स्पोकन एज बीम फोकसिंग। तो इस तरह की जो चार्ज डिफ्यूजन है या फिर उसके क्रॉस सेक्शन को अच्छा करने के लिए या फिर उसकी डेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, या फिर एक तरह से मान लीजिए उसको एक पतली रेखा के रूप में भेजने, देखिए बीम, देखिए आप लोग ये बीम जा रही है, तो ये अगर इसकी डेंसिटी कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, और ये थोड़ी सी पतली होगी, तो ये मेथड जो है हम यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, उन्हें सारे मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, बीम फोकसिंग, बीम को फोकस करना। जो आपकी बीम आ रही है ना, उसको एक सीधी रेखा में, पतली रेखा में और उच्च घनत्व वाली बीम बनाना क्या कहलाएगा, आपका बीम फोकसिंग कहलाएगा, ठीक है। द टू मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेंटेनिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम आर, हमारे पास दो मेथड है बहुत अच्छे बीम फोकस करने के लिए। देखिए बीम फोकसिंग के लिए पहला मेथड क्या है, द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दैट इज फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय अ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ सोलेनोइड, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि बीम को दो चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य रख दीजिए, जैसे सोलेनोइड के अंदर आप लोग देखें, सोलेनोइड क्या होता है, इस तरह इसे बोलते हैं सोलेनोइड, तो इसके बीच में से बीम को निकालें, ठीक है। तो अगर आप ये काम कर देते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, द बीम इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दैट इज फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विद पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से इससे भी आप काम कर सकते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पीरियोडिक परमानेंट मैग्नेट, इट इज परफेक्ट बिटवीन द लोअर डोटल वेव ऑफ द सिस्टम पीरियोडिक फोकसिंग स्ट्रक्चर एज शोन अबव डायग्राम। तो आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, किसके पैरेलल, जो आपकी बीम जा रही है उसके पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बीम है उसका फोकसन हो जाएगा किसके द्वारा, पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो ये दूसरा मेथड है अपने पास, ये आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, हार्टले कंडीशन। तो हार्टले कंडीशन जो होती है ना, हार्टले कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हार्टले कंडीशन, ठीक है आप लोगों के लिए। तो आज जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा अपन फालतू बात नहीं करेंगे, जो एग्ज़ाम में नहीं आते या फिर जो आपके आने लायक नहीं है वो हम लोग बात नहीं करेंगे माइक्रोवेव के अंदर, ओके। तो माइक्रोवेव के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मैग्नेट्रॉन, यहाँ से क्वेश्चन आपका इस साल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो हार्टले कंडीशन क्या होती है, द हल कट ऑफ कंडीशन, देखो अभी अपन ने निकाल दी हल कट ऑफ कंडीशन, द हल कट ऑफ कंडीशन डिटरमाइन द एनोड वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन एनोड करंट एज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज। ये बात हमने कर ली कि हल कट ऑफ वोल्टेज और हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। द हार्टले कंडीशन कैन बी डिराइव एज, अब कैसे निकालेंगे हार्टले कंडीशन, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन बीम लाइज विद इन अ रीजन एक्सटेंडिंग अ डिस्टेंस एन। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड आपने किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है किसके, किस रीजन में जा रही है, इस एन रीजन के बीच जा रही है, जो कैथोड का रीजन है ना आपका, इस कैथोड रीजन के अंदर से बीम जा रही है, वेयर एन इज नोन एज हब थिकनेस, ठीक है। इसे बोलते हैं हब थिकनेस, जो आपकी कैथोड की दूरी है वो आपकी हब थिकनेस कहलाएगी, ओके। एंड स्पेसिंग बिटवीन देन कैथोड एंड एनोड इज डी, और एनोड और कैथोड के बीच में दूरी कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे डी है, ओके। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए आप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ वोल्टेज लगाई हुई है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे की तरफ है, ये एनोड है, एनोड से कैथोड की दूरी कितनी है, डी है, इस तरह से। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर निकालें, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो हमें पता है, ये वेलोसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है इसलिए उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन ये होता है, तो ग्रेडियंट एक्स में डेवलप होगा,
तो x में ग्रेडियंट डेवलप कर दीजिए पोटेंशियल का, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है अपने पास, ई वी है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पुट कर दें सिंपली, इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें इसको उठा के, और आप यहाँ पुट कर दें इसको। ओके, तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन, तो आपने जैसे इसको पुट किया और आगे सॉल्व करेंगे डिराइव, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं इसमें डिराइव करने में। तो सिंपली आप इसको डी वी के फॉर्म में, और पोटेंशियल निकालना है आपको, तो डिराइव कर दिया आपने, इंटीग्रेट कर दिया इसको, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब बाउंड्री कंडीशंस, अगर आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, x इज इक्वल टू 0 है। तो जैसे आपने बाउंड्री कंडीशन पुट की तो यहाँ से आपका a निकल जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, ठीक है ना, तो इक्वेशन 3 बिकम्स मतलब कि, बिकम्स मतलब कि अब कैसी बन जाएगी इक्वेशन 3, ऐसी बन जाएगी, और यहाँ से आप वोल्टेज निकाल सकते हो। द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द हब सरफेस, हब सरफेस पर आप निकलें तो हब h निकाल दें, तो x इज इक्वल टू h पुट कर दें, तो वहाँ पे हब सरफेस हो जाएगी x इज इक्वल टू h पर। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इजीली डेल वी अपॉन डेल x, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, और यहाँ से अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहेंगे 0 से लेके v तक पोटेंशियल डेवलप है, 0 से लेके ed तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें ई एक्स की। ओके, तो d तक को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दें, 0 से लेके h, h से लेके d। ओके, 0 से लेके h तक तो आपका हब फील्ड काम करेगा, तो ये हब फील्ड की वजह से आप देखें ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हब वोल्टेज इतना जो ये हमने निकाला था ना ऊपर वी एच उतना, और h लेके d तक आप निकालना पड़ेगा, इसलिए ई एक्स की वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा। जो ई एक्स आपने यहाँ निकाला, ठीक है, उस ई एक्स को आप यहाँ पुट कर दें। ओके, और इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा इक्वेशन नंबर 6 की फॉर्म में। ओके, एट डिस्टेंस h द वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v0, ये हमने निकाला था पहले फॉर्मूला। तो वहाँ से अगर आप डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रही आपकी डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स है, ठीक है, और ये भी आपका वी है, इसको भी आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो जैसे आप पुट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा यहाँ से इस तरीके से, और ये वी आपका मिल जाएगा आपको यहाँ से ऐसे। इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू पुट कर दें, तो 6 में वैल्यू पुट करते ही आपको ये मिल जाएगा, और पोटेंशियल आपको ये आ जाएगा। दिस रेडिएशन इज़ नोन एज हार्ट्रे एनोड वोल्टेज इक्वेशन, तो यहाँ तक आपको निकालना है हार्ट्रे कंडीशन के अंदर। ओके, तो इस तरह से मैग्नेट्रॉन के अंदर आपको काम करना है, अगर जितना पूछा जाएगा केवल उतना ही निकालना है, ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। 3 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, या तो आपको हल कट ऑफ वोल्टेज निकाल लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैग्नेट्रॉन, और या फिर आपसे पूछ लेगा हार्ट्रे कंडीशन। बीम फोकसिंग तो एक छोटे क्वेश्चन में आता है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके, बड़े क्वेश्चन में आपको इतना ही काम करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि मैग्नेट्रॉन में अगला टाइप जो होगा वो होगा मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन का, ठीक है। तब तक आप लोग इसको एक बार लर्न कर लेना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।